दोबारा कोई रमेश विदुड़ी बनने की हिम्मत और जुर्रत ना करे, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा वकील करें, FIR कराएं इसके खिलाफ। लेकिन ये बुजदिली दिखाने के लिए लोगों ने नहीं चुना है, बुजदिली दिखाने के लिए लोगों ने नहीं चुना है। मुझे दानिश अली जी को एक फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देनी है। एक तो वो कम से कम आज के बाद जो वो रोजा इफ्तार करते हैं और जो वो गले में बाहें डाल के RSS और BJP वालों के साथ घूमते हैं, दोस्ती रखते हैं उनसे, आज से वो टोटली बंद कर। सीनियर वकील महमूद प्राचर जी हैं, मैं इनसे जानूंगा कि जिस तरीके से BJP के सांसद रमेश विदुड़ी के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया गया BSP सांसद दानिश अली के लिए, तब से लेकर के अब तक हंगामा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हो या तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वे लोग लगातार BJP के सांसद विदुड़ी पर निशाना साधने काम कर रहे हैं। सर कैसे देखते हैं, सदन में कार्यवाही चल रही थी, पूरी बातचीत हो रही थी चंद्रयान पर, फिर इसके बाद एकाएक मूड बिगड़ जाता है, जो BJP के MP हैं, इसके बाद मुल्ला ना जाने क्या क्या कह देते दानिश अली को। देखिए, इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि जो पहला शब्द, एक तो विदुड़ी जी RSS से आते हैं, BJP से आते हैं, तो उनके जो संस्कार हैं, जो उन्हें सिखाया जाता है बचपन से, शाखा में भी जाते थे, तो वो तो उसी प्रकार से बिहेव करेंगे और इसीलिए उन्हें चुना भी गया। यही क्वालिटीज देख के तो RSS और BJP अपने सांसदों को चुनती है, कौन कितना बड़ा क्रिमिनल है। एक और भूषण शरण सिंह जी हैं, वो ये बताते हैं, मैं टीवी पे बता रहे थे, मैंने उनको टीवी पे बोलते देखा है कि मैंने ऐसे एक हत्या कर दी। एक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, जो ये कहती हैं कि भारत देश को खत्म करके हमें आर्यव्रत नाम का देश बनाना, ऐसी उनके खिलाफ चार्जशीट है। वो गांधी जी के हत्या करने वाले को बहुत बड़ा देवता और महात्मा बताते हैं। तो ये छांट छांट के जो रत्न लाते हैं ना RSS वाले, ये अपने जो क्वालिटीज जिनको पसंद करते हैं RSS, उनको छांट छांट के लाते हैं, तो वो तो उनका चाल चरित्र चरण है। मुझे दानिश अली जी को एक फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देनी है। एक तो वो कम से कम आज के बाद जो वो रोजा इफ्तार करते हैं और जो वो गले में बाहें डाल के RSS और BJP वालों के साथ घूमते हैं, दोस्ती रखते हैं उनसे, आज से वो टोटली बंद कर। आज के बाद हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी RSS और BJP के इंसान से, जो इस घटिया और गंदी घिनौनी मानसिकता से आते हैं, उनसे बात भी करें। पहली तो मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह ही दे रहा हूं, क्योंकि इससे जो पहला शब्द यूज किया उन्होंने, वो उनके आपस की बात थी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चाहें तो किसी अच्छे वकील को कर सकते हैं, अगर वो मेरे क्लाइंट होते तो मैं इस रमेश विदुड़ी को इतने साल जेल में भिजवाता कि शायद ये दोबारा MP का चुनाव नहीं लड़ पाता। ये मैं खुलेआम बता रहा हूं कि अगर किसी मेरे क्लाइंट को ऐसे कह दे, तो उन्हें एक अच्छे वकील की तलाश करनी चाहिए और इस गुंडे को इसकी सही जगह जेल में पहुंचाना चाहिए और इसकी हिस्ट्री निकालनी चाहिए, कितने अनऑथराइज इसने कब्जे कर रखे हैं। वहां जो मेरे पास एक केस है, मैं करूंगा ही, इसमें हम कर ही रहे हैं, जो तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर कितने अनऑथराइज कब्जे कर रखे हैं इन्हीं रमेश विदुड़ी जी ने, उसके खिलाफ मैं तो कार्रवाई कर ही रहा हूं। लेकिन दानिश अली जी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पहला शब्द जो बोला, मैं तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे संस्कार वैसे नहीं है, मैं कहीं बंद कमरे में नहीं बोल सकता उस शब्द, बाकी सब जो शब्द बोले वो उनको निशाना बना के पूरी कम्युनिटी को बोलेंगे। तो अगर वो कम्युनिटी के नेता हैं, अगर वो कम्युनिटी के बारे में इतना सा भी सोचते हैं, तो इस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल भी गिड़गिड़ाने की, बिल्कुल भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन RSS और BJP के लोगों से। जाए कोई अच्छा वकील करें, FIR कराएं इसके खिलाफ। लेकिन आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि मैं सुधार दूंगा विदुड़ी को, कभी MP नहीं लड़ पाएंगे, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वो कानूनी अपराध है, समझ लीजिए, और 2 साल से ज्यादा सजा होगी, तो फिर लड़ पाएंगे? अभी राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ था, इसलिए बोल रहा हूं, चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाएंगे। और जो उन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति गिरवाई है जो तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर, वो केस मैं ही कर रहा हूं, तो उसमें आप सब लोग देखेंगे, उसमें तो इनके खिलाफ क्या। लेकिन एक परसेप्शन सर, परसेप्शन बना हुआ है कि अगर सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप किसी नेता को लेकर कुछ बोलते हैं तो आप मानहानि का केस नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो कह रहा हूं किसी अच्छे वकील से, मैंने कहा ना मेरा केस हो जाएगा, केस हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बोले जाने वाली बात नहीं, ये सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जरिए पूरे देश में घूम रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूं, ये सिर्फ पार्लियामेंट तक रहने वाली बात। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले
कुंवर दानिश अली से बातचीत किया तो उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि जो है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, तो वे इस्तीफा दे देंगे अपने सांसदी के पद से। देखिए अब सांसदी का पद बचा कितने महीने का है, ये बुजदिली दिखाने के लिए लोगों ने नहीं चुना है, बुजदिली दिखाने के लिए लोगों ने नहीं चुना है, उनको ऐसा इबरतनाक सजा देने के लिए चुना है कि दोबारा कोई रमेश विदुड़ी बनने की हिम्मत और जुर्रत ना करे। ये भी मेरी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह है। ये इसका एक विक्टिम कार्ड खेल के, हम लोग विक्टिम नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलना भी नहीं चाहते हम लोग। हम लोग भारत के संविधान और कानून में विश्वास रखते हैं। जो भारत का संविधान और कानून तोड़ेगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे हो, उसका इलाज करना कानूनी तरीके से हम लोगों का फर्ज है। ये बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया ये कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम ये कर देंगे, कोई रोने लगता है हमारा नेता, कोई ऐसी बातें करने लगता है। मैं बहुत दुखी हूं। रोते तो मोदी जी भी है ना? नहीं, मोदी जी तो एक ड्रामे के तहत रोते हैं, लेकिन ये कह के तो नहीं रो रहे देखो मुझे मारा जा रहा है इसलिए रोते हैं। वो हमारे नेता रोते हैं, उससे हमें दुख होता है। खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के जब नेता हैं, अगर वो ईमान वाले हैं तो डर और ईमान का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। डरना नहीं है, जालिमों का हाथ पकड़ना है, कानूनी तरीके से उनको जेल भिजवाना है, उसके लिए कार्रवाई करें। या इस्तीफा देने के लिए चुने क्यों गए थे? इस्तीफा देने के लिए चुने गए थे? या अपनी जनता को न्याय कैसे दिलवाएंगे अगर खुद ही इस्तीफा देने की बातें कर रहे हैं? तो बहादुरी से बातें किया करें, बहादुर लोगों की जरूरत है।